I joined Akash in 9th standard. So I joined early, I gave ANTHE in 8th standard. Pretty much a game-changing moment for me. Now I'm competing all across India. Hello my dear champions, welcome back to your very own Byju's 6 to 8 channel, and yes, I'm your teacher, your mentor, your friend Saurabh, and today we are here with another one shot of electric current and its effects. Look, electric current and its effects, it's for class 7th, it's a very important chapter, it's kind of an easy chapter, right? So today we'll finish this whole chapter in one go. Zyada time nahi lagega. What I want you to do is, I want you to be attentive. I want you to listen very carefully और थोड़ा running notes बनाते रहो यार. It's very important, right? Okay, चलो, let's start. And by the way, हाँ ठीक है, आज थोड़ा बन ठन के आए हैं हम लोग, करवा चौथ मना रहे हैं, right? That's why. So before you ask, I'm not actually there. It's a premiere session. भाई अब घर जाना जरूरी है क्योंकि डांट पड़वाओगे करवा चौथ के दिन, है ना? So that's why. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर चिल है, सर तो है ही नहीं, क्या करेंगे. आपको क्या करना है, आप चैट में आंसर करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, है ना, डिस्कस करो, इट्स ओके. लेकिन वॉट एवर वी डिस्कस, इफ यू नो समथिंग कीप आंसरिंग. खाली नहीं बैठना है यार, बस ठीक है, खाली नहीं बैठना है. कीप आंसरिंग, लिसन केयरफुली. और ये चैप्टर जब खत्म होगा, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, ये पर्टिकुलर चैप्टर कुछ इट बी सो फ्रोजन इन योर मेमोरी, इन योर माइंड, कि कॉन्सेप्ट लगेंगे यार ये तो बहुत ईजी है. और अगली बार हम करेंगे क्वेश्चन इसके प्रॉपरली, ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट एंड Let's talk about ANTHE first. देखो ANTHE we all know, right? आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम, हमको पता है क्या है ये, right? अगर कोई है जिसने अब तक एनरोल नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर यू एनरोल. इसके लिए हम लोग मॉक पेपर सॉल्विंग सब कुछ कर ही रहे हैं. इट्स एन ऑल इंडिया लेवल एग्जाम, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. 5th of November डेट स्टार्टिंग है इसकी, राइट? 5th to 13th एंड 6 to 13 इज द ऑफलाइन एग्जाम, राइट? एनरोलमेंट फ्री है, प्लीज मेक श्योर दैट यू रजिस्टर फॉर इट, है ना? औरों को बताओ, सबको एटलीस्ट जागरूक कर दो यार सबको. दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? एंड दिस ईयर नासा जाने का मौका है, तो इससे अच्छा क्या होता है. क्लास 7 से क्लास 12 मेक श्योर यू एनरोल. चलो भाई, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स. चलो एक बेसिक क्वेश्चन चालू करते हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. एक टॉर्च, सिंपल टॉर्च ना, जिसको हम यूज करते हैं घर में, लाइट चली जाती है तो हम ढूंढते हैं टॉर्च कहाँ है, भाई टॉर्च कहाँ है, राइट? वी स्टार्ट विद दिस. सो अ सिंपल टॉर्च, बता दो कॉम्पोनेंट्स इन अ टॉर्च क्या होते हैं. उसके कॉम्पोनेंट्स सोचो, आंसर करना है जी चैट में, ऐसे बैठना नहीं है. कम ऑन, टेल मी, थिंक, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ टॉर्च. भाई एक बल्ब होता है ना, सही बोल रहे हो, एक बल्ब होता है, सही बात है. उसके ऊपर सर कुछ ग्लास का सा केसिंग होता है, बिल्कुल ठीक बात है. उसके अंदर क्या होता है, सेल होते हैं, बिल्कुल सही. वायर्स होते हैं जो हमको ऐसा दिखते नहीं है, थोड़े से कवर होते हैं, है ना, राइट? ओके, सो यू आर राइट, बल्ब होता है. स्विच होता है सर, भाई ऑन ऑफ कैसे करते हैं, हाउ डू वी ऑन एंड ऑफ द टॉर्च, हाउ वी टर्न इट ऑन ऑफ, इट्स बिकॉज ऑफ अ स्विच, है ना? स्विच इज ऑल्सो देयर. इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो देयर. वेरी गुड, वेरी गुड. सोचो ये सब मिलके कुछ ऐसा करते हैं कि हम जब स्विच को टर्न ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, एंड व्हेन यू टर्न द स्विच ऑफ द बल्ब गोज ऑफ, राइट? सो वी कॉल दिस काइंड ऑफ अ थिंग एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट? सो अंडरस्टैंड दिस. इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इट्स अ क्लोज पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, ठीक है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इट्स अ सर्किट मेड ऑफ कंपोनेंट्स, ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो कि जब क्लोज लूप में आते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है? इन अ क्लोज सर्किट ओनली करंट फ्लोज. ये है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट ओनली फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट. अगर आपका वायर बीच में से ब्रोकन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा. दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, ऑलराइट, वेरी गुड. नाउ अब यहां पर जब बात हो ही गई है, और Let me just close this thing first. ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा. भाई जब हम स्विच को ऑफ करते हैं हम क्या कर रहे हैं? When you turn the switch off, if we talk in a technical language, physics language, अब क्या बोलोगे? What will you say? आपने क्या किया सर्किट के साथ? When you turn the switch off, you actually opened the circuit, है ना? Current flow नहीं कर सकता, बल्ब नहीं जलेगा, simple, right? Okay, nice. So that's why closed circuit current बहेगा, current flow करेगा, open circuit में current flow नहीं करेगा, simple सी बात है, all right. अब जब हम current की बात कर ही रहे हैं, current क्या होता है? वही चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स. करंट पता है क्या हम लोग को? करंट क्या होता है? कम ऑन थिंक, है ना? ऑल्दो ये डेफिनेशन शायद हमारी बुक में एज सच बहुत एक्सप्लिसिटली हमसे ना पूछी गई हो, लेकिन सोचो वी शुड हैव दिस नॉलेज. नो, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट. भाई करंट क्या होता है पहले तो हमको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, राइट? थिंक, कम ऑन, टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. देखो इलेक्ट्रिक आसान है, आई वोंट गो टू टेक्निकल. मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक और करंट. देखो करंट जो वर्ड है ना, इट्स अ वेरी कैजुअल वर्ड. सर वाटर करंट भी होता है, एयर करंट भी होता है ना. Whenever something flows, we call it a current. बहुत सही. इलेक्ट्रिक करंट मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एंड फ्लोइंग से रिलेटेड, है ना. तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक मतलब कहीं ना कहीं होता है चार्जेस की बात. चार्ज क्या होते हैं सर? इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये चार्जेस हैं अलग अलग, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, है ना. जब चार्ज फ्लो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना. अब सुनो, चार्ज फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट तो कहते हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को हम दिखाते हैं सिंबल आई से. थोड़ा ऊपर भी है लेवल. Whatever I'm telling you right now, it's a slightly upper level, but you should know. ये पता ही होना चाहिए यार. चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमको करंट ही नहीं पता क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है. इलेक्ट्रिक करंट को हम दिखाते हैं आई के साथ, ठीक है. ऑलराइट, आई इक्वल्स क्यू. क्यू मतलब क्या होता है? चार्ज. क्यू बाय टी. कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया है उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ऑलराइट, ठीक है. ये बेसिक सी चीज है, ये पता होनी चाहिए तभी चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा. भाई पूरा पूरा चैप्टर पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट नहीं पता तो कैसे मजा आएगा, राइट? सो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर आई हैव मेड दिस क्लियर टू यू. बहुत अच्छे, चलो आगे चलते हैं. अब कोई अच्छा तरीका है, इज देयर अ बेटर वे टू एक्चुअली रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स? भाई देयर इज अ बैटरी और सेल, फॉर एग्जाम्पल सिंगल सेल है ना, तो उसको बैटरी बोल देते हैं कभी कभी. वैसे तो नॉर्मली वी कॉल बैटरी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, लेकिन यहाँ पर चलो एक सेल है, ये एक सेफ्टी पिन है ना, तो वी आर यूजिंग इट एज अ स्विच राइट नाउ. ये एक बल्ब है. अगर इसका डायग्राम बनाने आए, लेट्स से यू वांट टू शो एन इलेक्ट्रिकल डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट, क्या हम सच में ऐसे नक्काशी करके बल्ब बनाएंगे? आहा क्या बल्ब है, वाह वाह वाह, क्या बैटरी, अरे वाह क्या स्विच है, डिजाइनदार. नहीं, राइट? वी नीड सम बेटर वेज टू एक्चुअली शो दैट दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड दीज आर द कंपोनेंट्स, राइट? कुछ तो बेटर होगा, है ना. है, लेकिन उसके लिए हमको पता होना चाहिए सिंबल्स क्या होते हैं. वी शुड ऑल्सो नो व्हाट आर द सिंबल्स. ओके, चलो ध्यान से देखो. इलेक्ट्रिक बल्ब सिंबल इज काइंड ऑफ इजी ओनली, है ना. यू डोंट हैव टू ड्रॉ अ नाइस ग्लास, अ थ्रेडिंग, ऐसे ऐसे उसके अंदर फिलामेंट बनाएंगे बढ़िया. नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. सिंपल है. क्या ये, अगर आपका ये हो गया आपका बल्ब, है ना, ये बल्ब है अभी ऑफ, ऑन दिखाना होता है तो हम इसको दिखा देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, राइट, फाइन. स्विच ऑन ये होता है, स्विच ऑफ ये होता है. एंड लेट मी टेल यू, आगे इन फ्यूचर क्लास 10th में हम लोग जब पढ़ेंगे दोबारा से, तो पता क्या होगा, एक चीज और पता चलेगी तुमको कि सर स्विच क्लोज इसको ऐसे भी दिखाते हैं, की स्विच ओपन इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है. ये सब मैं अभी एडवांस बता रहा हूं ताकि तुमको नॉलेज रहे. जरूरी नहीं है, भूल गए तब भी चल जाएगा, लेकिन कल दिन जब दोबारा ये सामने आएगा यू वुड नो, राइट? सर ने बताया था ये बात, हमको तो पता थी, है ना. तो इसलिए बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ और ही बता रहे हैं, ठीक है. ध्यान से सुनो और नोट्स बनाते चलो, डोंट वरी, आई विल शेयर दिस पीडीएफ यार. देखो पीपल, सुनो सुनो सुनो, हर चीज नोट नहीं करना है. डोंट ट्राई टू नोट डाउन एवरीथिंग. दिस पीडीएफ आई एम एनीवेज गोइंग टू गिव यू ऑन टेलीग्राम, है ना. सो पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, लेकिन अभी क्या है, जो जरूरी लगता है ना उसका नोट्स बनाओ केवल, ठीक है, इंपॉर्टेंट. चलो भाई अगला, वायर. वायर क्या होता है भाई? वायर क्या, स्ट्रेट लाइन है, सिंपल, दैट्स व्हाई दिस इज अ वायर. सेल, हाँ सेल इज इंपॉर्टेंट. देखो ध्यान से देखो, सेल मतलब एक सेल में दो टर्मिनल होते हैं. हमने व्हेनेवर वी हैव वी टेक अ सेल, देयर आर टू सिंबल्स ऑन इट, आई वुड से दो साइन होते हैं. व्हाट आर द टू साइंस? On one side it is plus, on one side it is minus, right? So there is a positive terminal of the cell, there is a negative terminal of the cell, है ना. So in symbol you have to take this care कि भाई there is a longer rod, है ना, there is a longer line and there is a shorter line. So longer line is the plus terminal, shorter line is the minus terminal, ठीक है. So you can see in your cell, this is plus, this is minus. Here this is plus, this is minus. Yes. Direction matters. अगर सेल में यहाँ प्लस है, अपने डायग्राम में यहाँ प्लस नहीं हो सकता है, प्लस यही होना चाहिए, ठीक है? That is important, भाई, ऐसी गलती मत करना यार. These are very very basic mistakes. Please don't do them. Now, अब क्या देखो, बहुत सारे सेल, हम टॉर्च में एक सेल थोड़ी डालते हैं. In the torch, the way we started, in the torch actually it's not just one cell. आप क्या करते हो सर, आप एक सेल डालते हो, उसके बाद आप एक और सेल डालते हो, है ना. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन. लुक एंड नोटिस द साइंस. एक बार ध्यान से देखो, प्लस माइनस पहले सेल का, प्लस माइनस दूसरे सेल का, प्लस माइनस तीसरे सेल का. ध्यान दे रहे हो व्हाट इज. हम जब सेल्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, कैसे कनेक्ट करते हैं? पहले सेल का माइनस जुड़ा होता है दूसरे सेल के प्लस से, दूसरे सेल का माइनस जुड़ा होता है तीसरे सेल के प्लस से, राइट. व्हाट आई एम सेइंग इज इफ आई वांट ऑल द थ्री सेल्स टू सपोर्ट ईच अदर, what how we have to connect them? We have to connect them like the negative terminal of the first cell needs to be connected with the positive terminal of the second cell, है ना. This is what we call as a series connection of a battery, all right? Yes, that's important, ठीक है. So plus and minus. अब जो आपकी बैटरी बनी है उसका ऑल ओवर प्लस टर्मिनल कहां पर है? यहां पर है. माइनस टर्मिनल कहां पर है? यहां पर है. सिंपल सी बात है, ऑलराइट. दिस इज इंपॉर्टेंट. देखो ये डायग्राम और ये सिंबल्स बहुत जरूरी हैं. मेक श्योर इफ यू हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट देम. अगर हमको लगता है ना कि हम भूल जाते हैं, जब मैं ये नोट्स भेजूंगा इस पर्टिकुलर चीज का चाहे तो प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, चिपका लेना, जो करना है कर लेना, बट ये भूलना नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो भाई, सिंपल सर्किट और सिंपल डायग्राम कैसा दिखता है. हमने क्या बोला सर, एक बल्ब चाहिए, सर एक स्विच चाहिए, वी वॉन्ट अ सेल एंड वी वॉन्ट दीज कनेक्टिंग वायर्स, ऑल राइट. नाउ सिंपल देखो, सेल में यहां था प्लस यहां था माइनस. मैंने बोला ओके आई विल ड्रॉ अ लॉन्गर लाइन हेयर, शॉर्टर लाइन हेयर. ये मेरा सेल बन गया जिसका प्लस इधर है माइनस इधर है. ओके, सेल डन. अब सेल से क्या है कि वायर जा रहा है, दिस इज अ वायर, बहुत बढ़िया. सो आई ड्रॉ अ कनेक्टिंग वायर लाइक दिस, है ना. दिस इज माई कनेक्टिंग वायर, बहुत अच्छे. देन वी हैव अ बल्ब, आई ड्रॉ अ बल्ब. बल्ब इज ऑफ राइट नाउ, इट मीन्स दिस इज ऑफ राइट नाउ. उसके बाद हम आगे बढ़े और कनेक्टिंग वायर. स्विच कैसा था? ओपन था, दैट्स वाई माई स्विच इज ओपन वाला स्विच. एंड दिस इज हाउ वी मेक अ सिंपल सर्किट डायग्राम. बस सर्किट डायग्राम. फिर अब सोचो क्या है सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम कुछ है थोड़ी, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल सर्किट वेयर वी हैव डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. बस और क्या है सर्किट डायग्राम, है ना, यही तो है. चलो अब आगे बात करते हैं. अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. ऑल्दो आई हैव एक्सप्लेन दिस राइट नाउ, मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया है ना. अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, भाई एक सेल को बोलते हैं सेल, एक से ज्यादा सेल को बोल देते हैं बैटरी. कैजुअल, आई वुड से मोर नॉट कैजुअल एक्चुअली, टेक्निकल लैंग्वेज में यही होता है. और कैजुअल लैंग्वेज तो हम बोल देते हैं भाई मेरे को एक बैटरी दे दो, तो क्या होता है वो आपको सेल दे देते हैं. तो इट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन ऐसे सोचो, एक सेल सेल है, अगर एक से ज्यादा सेल लगे हुए हैं तो बोल देते हैं बैटरी, ठीक है, ऑलराइट. अब देखो, अब उनको अरेंज करना है ना भाई. अगर एक से ऊपर सेल है, इफ यू हैव मोर देन वन सेल, यू हैव टू समहाउ अरेंज देम. हाउ? So that they support each other, ठीक है. So this I have told you already. Plus minus, plus minus. Ah, sir, it will support each other. It's a series combination, है ना. So battery क्या है? Combination of two or more cells. All right. अब I'll tell you, ये जो नीचे वाला है ना, this one, this is quite important because this is how the question will try to confuse you. Because normally we all have a tendency. हम सबको लगता है कि जब हमारे सामने बैटरी इस तरह आएगी ना, तब तो हम कर लेंगे. सर ये तो बैटरी है ना, ऊपर वाला तो बैटरी है, हमको पता ही है. लेकिन अगर आपको दो सेल अलग अलग दे दिए और पूछ लिया क्या इनमें से कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है, अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस कनेक्टेड है प्लस से दूसरे सेल के. ये भी नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों सेम नहीं है, बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली सेम. सर लग नहीं रहे, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने वायर दिखा रखा है और ऊपर हमने डायरेक्टली जोड़ रखा है, बस यही तो डिफरेंस है. वायर का क्या? वायर का बोलते हैं सर वायर तो कनेक्टिंग वायर है, रेजिस्टेंस जीरो है आइडियली, है ना, बोलते तो यही है. सो नीचे वाला और ऊपर वाला सेम है, यहां गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है. और ये नीचे, दिस इज वन वे इन विच अ क्वेश्चन विल ट्राई टू कंफ्यूज यू इन मल्टीपल वेज. आप कंफ्यूज नहीं होगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ऑलराइट. चलो, व्हाई डजंट द बल्ब ग्लो इन द सर्किट? अब ये हमको पता ही है भाई, ओपन सर्किट में सर करंट तो फ्लो नहीं करता है, हमारा स्विच ओपन था अब तक तो इसीलिए करंट फ्लो नहीं कर रहा था, राइट, है ना. तो बट ये स्विच क्या ना, ये क्लोज नहीं है, ये स्विच था ओपन. ओपन स्विच में करंट फ्लो नहीं करता, हम जब स्विच को क्लोज कर देते हैं, जब क्लोज कर देते हो यानी कि स्विच को टर्न ऑन करते हो, तब ये बल्ब हम दिखा रहे हैं कि ग्लो कर रहा है। अब एक चीज सुनो, एक और कंफ्यूज होता है लोगों को सर हम बोलते हैं घर में पंखा ऑन कर दो या पंखा ऑफ कर दो, ठीक है। एक और चीज, स्विच को ओपन कर दो, स्विच को क्लोज कर दो, यहां ये बोलने में और टेक्निकली ये दिखाने में एक डिफरेंस है। कभी कभी ना बच्चों को लगता है सर स्विच ओपन करना मतलब पंखा चालू करना एंड स्विच क्लोज करना मतलब पंखा ऑफ करना। नहीं, थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ स्विच की डायरेक्शन। अगर ये मेरा वायर है और ये मेरा स्विच है, स्विच ओपन करना मतलब जैसे ढक्कन खोलते हैं ना, स्विच ओपन हो गया, अब सर्किट ओपन हो गया यानी कि करंट फ्लो नहीं करेगा। स्विच क्लोज करना मतलब वापस रख देना, सर्किट क्लोज हो गया, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यहां गलती नहीं होनी चाहिए, आई एम टेलिंग यू। बचपन में लॉट ऑफ पीपल हैव दिस कंफ्यूजन, सर स्विच ओपन बोलते हैं लेकिन पंखा तो चालू होता है ओपन करने पे। नहीं भाई, उल्टा सोच रहे हो आप, ठीक है। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक, ऑलराइट। चलो भाई स्विच, हाँ तो बस यहां पर हमने स्विच क्लोज किया, सर्किट क्लोज हो गया एंड करंट फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट। ये हमको पता था, इसीलिए बल्ब जल गया, सिंपल सी बात है। चलो अब आगे बात करते हैं। जब बल्ब जलता है, मेरे को एक बात बताओ, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू अ प्लेस जहां पर ठंडी पड़ती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु आर इन नॉर्थ, आने वाले विंटर्स आर कमिंग, राइट। सो यू हैव सीन के दिस फिलामेंट बल्ब अगर कहीं होता है ना, We all have this tendency, अरे फिलामेंट बल्ब है ना, ओह ठंडी लग रही है, गर्म कर लो हाथ, हीटर यूज करते हैं, अरे रे ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है। There is a heating effect, right? You might have noticed people who have seen this. भाई I don't know, you might not have used them as extensively as we used to do back in our time, right? कि इस टाइम, उस टाइम पे क्या होता था, हम लोग ये बोलते थे कि यार फिलामेंट बल्ब है, उसको लगाते थे, लेकिन इससे क्या है कि गर्मी लगती थी थोड़ी, राइट। सो हीटिंग इफेक्ट इज समथिंग विच वी आर ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स, है ना। हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट की। भाई जब करंट फ्लो करता है ना तो चीजें हीट भी करती हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग ट्रू, राइट। सो अब देखो और एक चीज और नोटिस करी होगी तुमने, इफ यू टर्न दिस काइंड ऑफ अ बल्ब ऑफ, और अगर आप जल्दी से टच कर लो, करना मत प्लीज, इफ यू माइट हैव नोटिस्ड हाथ पास भी लेके जाओ ना तो फील होता है अरे गर्म हो रहा है, अरे तो दिस इज हॉट। There is a heating effect of electric current, right? Current when flows in a circuit, there is some heat produced, है ना, उस पर बात करते हैं। देखो, like for example, you have two types of wires, और you have room heaters and everything, right? So depends on material also, कि भाई किस तरह का मटेरियल है। कोई मटेरियल जल्दी गर्म हो जाता है, कोई मटेरियल टाइम लेता है गर्म होने में, राइट? Yes, so कहीं ना कहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल हीटर है या फिर इलेक्ट्रिक आयरन है, इन सब के अंदर कॉइल्स होती हैं, तो वो कॉयल हीट करती है कहीं ना कहीं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, नाइक्रोम है। सो कॉपर उतना जल्दी हीट नहीं करेगा नाइक्रोम जल्दी हीट कर जाएगा, राइट। यस, ठीक है, राइट। चलो अब एप्लीकेशंस क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज हमने क्या सुना कि सर देयर इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मींस व्हेनेवर current flows in a circuit there is heat produced in the circuit, right? So which means current has a heating effect also. बढ़िया, तो heating effect क्या है? जब heat generate करता है flowing current, बहुत बढ़िया। क्यों करता है अब सुनो, ये मैं बताऊंगा थोड़ा सा, it's okay आपको याद रहे ना रहे, लेकिन थोड़ा सा information दूंगा because ये question कई बार आता है सर क्यों करता है। देखो current जब flow करता है, हमने क्या बोला था सर, charges flow करते हैं ना, charges जब flow करना चाह रहे होते हैं उस wire के अंदर से, let's say बीच में क्या है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उस वायर के, तो चार्ज फ्लो करते करंट टकराते चलते हैं इधर उधर, कट 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 कट। अब करंट होगा, चीजें टकराएंगी, जब टकराएंगे तो एनर्जी लूज करेंगे, है ना। ये सोचो जब टकराते हैं तो हीट जनरेट होता है, तो इसीलिए हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ चार्जेस विद द एटम्स ऑफ द वायर, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं एज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ताकि थोड़ा सेटिस्फैक्शन रहेगी, यार कुछ सीखा हमने, बढ़िया, ठीक है। बल्कि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, ये हमको पता है और यही हमको पता रखना है, क्यों होता है मैंने जस्ट बताया अभी, ठीक है। चलो एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब इसकी एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। एप्लीकेशंस सर बहुत सारी हैं, आयरन उठा लो, भाई सुबह सुबह आते हो, अब मैं भी सुबह सुबह आया, ये मैंने कुर्ता उठाया, लेट्स से इस पे क्या है बहुत सारा, देयर वाज लाइनिंग्स एंड एवरीथिंग, तो हमने क्या किया, आयरन उठाया, ऑन किया, ऐसे ऐसे प्रेस कर दिया फटाफट, ठीक है, हाँ हाँ कर लेता हूँ मैं कभी कभी प्रेस, ठीक है। सो यस, आयरन, गीजर, सर्दियों में वी ऑल टेंड टू गो फॉर, अरे यार सर गर्म पानी चाहिए, पापा मम्मी मेरे को गर्म पानी चाहिए, है ना. सो यू गो फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टर्न द गीजर ऑन, देन यू गो फॉर अ बाथ, electric kettle, right, heater, toaster, so all these are what, these require a heating element. कोई भी appliance सोचो जहां पर electric supply से heat generate होती है, वहां पर heating effect हो रहा है, right, there is something called as a heating element. For example, अगर किसी ने कभी देखा हो, I don't know, if you might have seen, है ना, अगर कभी देखा हो ना electric iron खराब हो गया घर में, let's say, and you sent it for repair, and let's say you were lucky enough टू विटनेस कि भाई खोलते टाइम क्या था अंदर. सुनो जरा ध्यान से, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन खोलेगा नहीं इसको देखने के लिए, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू. उसके अंदर पता क्या होता है, इस तरह का एक ऐसे प्लेट जैसी चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं, ये नाइक्रोम प्लेट होती है, एंड दिस इज द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द आयरन, राइट. सो यस, दिस इज व्हाट गेट्स हीटेड अप. सो इनकैंडिसेंट बल्ब, भाई इनकैंडिसेंट बल्ब, फिलामेंट बल्ब, इन सिंपल लैंग्वेज वी कॉल दिस, है ना, इसको बोल देते हैं हम लोग सिंपल लैंग्वेज में फिलामेंट बल्ब. क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फिलामेंट जैसा होता है, ऐसे छोटा सा ना कॉइल जैसी चीज होती है, उसको बोल देते हैं फिलामेंट बल्ब, इसीलिए, ठीक है. अब इसके बारे में बात करते हैं, भाई इसको देखा है नहीं देखा है, मेरे ख्याल से देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा. आजकल घरों में तो यूज नहीं होते हैं, लेकिन इन रेस्टोरेंट्स और एनी शोरूम्स, लाइटिंग, फैंसी लाइटिंग, है ना, थोड़ा सा शो ऑफ शो वाली लाइटिंग के लिए दे यूज दिस काइंड ऑफ बल्ब्स. यू माइट हैव सीन, अंदर ऐसे कॉयल जलता हुआ दिखता है, देखा तो है सबने, है ना. बहुत अच्छे, देखो इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है सर फिलामेंट जो कि ग्लो करता है, बहुत बढ़िया. उसके अलावा बाहर ग्लास होता है, सही बात है. अब द फिलामेंट स्टार्ट्स ग्लोइंग आफ्टर रीचिंग अ हाई टेम्परेचर. हम जब टर्न ऑन करते हैं ना, इसके अंदर से करंट फ्लो करता है. हमने बोला सर फ्लोइंग करंट विल प्रोड्यूस हीट, बहुत अच्छे. करंट फ्लो जब करता है इट विल प्रोड्यूस द हीट. हीट और लाइट कहीं ना कहीं रिलेटेड है यहाँ पे. अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों ने ये देखा है कि हम जब आयरन को हीट करते हैं, लेट्स से एक कोई लोहे की रॉड है, यू माइट हैव सीन इन वीडियोज ऑल्सो कभी कभी, या फिर पुरानी पिक्चरें देखी होंगी, जब हम तलवार बनाते हैं तो क्या करते हैं, आयरन को ऐसे भट्टी में डालते हैं, बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के ऐसे टन टन टन, ये तो देखा ही होगा कम से कम लोगों ने, है ना. बाहुबली देखी है, उसके अंदर भी था, राइट. सो देखो सुनो हमने ये बात करी, तो यानी कि व्हेनेवर मेटल गेट्स हीटेड अप वो ग्लो करना चालू करता है ना. हमने आयरन को तो देखा ही है, फिलामेंट के साथ भी वही होता है. फिलामेंट के अंदर इतना हीट जनरेट हो जाता है, सो मच हीट इज जनरेटेड दैट यू नो व्हाट, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. That is what is happening in a light bulb, in a filament light bulb, right? The filament starts glowing after reaching a high temperature. Very good. Now, अब यहाँ एक problem है, लेकिन आपको चाहिए क्या था, कोई भी let's say filament bulb में heat मिल जाता है, लेकिन did you really were looking for heat? सोचो गर्मी का मौसम है, अंधेरा हो रहा है ना, it's too hot outside, there is no power, let's say, है ना. Everywhere is dark, but you want light, and somehow you turn on a filament bulb. Now you got the light, but you are getting heat also. भाई मेरे को heat थोड़ी चाहिए था, है ना, तुमको तो light चाहिए था, लेकिन heat मिल रहा है. ये वेस्टेज है थोड़ा सा एनर्जी का. हमको पूरा पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना था लाइट एनर्जी में, लेकिन क्या हो रहा है, साथ साथ में हीट एनर्जी भी आ रहा है, जो कि हमको जरूरत नहीं है उस टाइम पे एज सच. बल्ब का काम हीट देना नहीं है, बल्ब का काम है लाइट देना, हीटर का काम है हीट देना, राइट, है ना. सो दैट्स व्हाई दिस इज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी. अब इसको सेव करने के लिए हमने ऑल्टरनेट्स निकाले, देयर वर फ्यू ऑल्टरनेट्स व्हिच केम इन द मार्केट, राइट. ये तो देखा होगा, ये भी एक नया चीज था, CFL वी यूज्ड टू कॉल इट, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स. आजकल एवरी नाउ एंड देन, एटलीस्ट टुडे, यू ऑल हैव एट योर होम्स दीज LED बल्ब्स, लाइट एमिटिंग डायोड, दे आर मोर पावर सेविंग आई वुड से, राइट. ट्यूबलाइट्स भी होती हैं, पहले हमारे यहाँ ट्यूबलाइट होती थी, यू नो, इट वाज ऑफ ग्लास, और उसको फोड़ते थे, अगर वो गलती से फूट जाता था, ना ना फोड़ते नहीं थे, गलती से फूट जाता था अगर, सो देयर यूज्ड टू बी अ ब्लास्ट काइंड ऑफ थिंग, राइट. लेकिन आजकल ट्यूबलाइट्स भी आने लगी हैं LED वाली, सो LED इज मोर पावर एफिशिएंट, दैट्स ट्रू, है ना. सो हमने देखा लाइट, जो बल्ब है फिलामेंट बल्ब, लाइट देता है, लेकिन एनर्जी वेस्ट होती है बिकॉज हीट जनरेट होता है, जो कि हमको नहीं चाहिए था. उसके बाद हमने ये जो हमारे नए इन्वेंशन थे, धीरे धीरे ये आने लगे, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, इनके अंदर हीट उतना जनरेट नहीं होता था, लेकिन लाइट अच्छा देते थे ये लोग, है ना. LED है, अब LED बल्ब देखो, अगर 10 वॉट अगर अगर कभी बात करें, है ना, अगर आपको पता हो इस बात का कि हम जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं ना, लाइट बल्ब वगैरह, यू टॉक अबाउट सर भैया 10 वॉट का बल्ब दे दो, 12 वॉट का दे दो, 9 वॉट का दे दो, है ना। फिलामेंट बल्ब 100 वॉट का और एलईडी बल्ब आई वुड से 10 वॉट्स, 10, 9, 11 वॉट्स, दे ऑलमोस्ट गिव अ वेरी इक्विवेलेंट काइंड ऑफ लाइट, है ना। So, ये है डिफरेंस। हमको लाइट चाहिए था, एलईडी हमको लाइट दे रहा है, हीट नहीं दे रहा है, पावर, तो वो अपना ज्यादा कन्वर्जन ऑफ पावर दे रहा है लाइट देने में, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। भाई हमको हीट थोड़ी चाहिए था, ठीक है। अब समझे कि सर हमने पावर कैसे सेव किया, ऐसे सेव किया, अननेसेसरी वेस्टेज जहां पे हो रहा था उसको काट दिया, बस, ठीक है, राइट, वेरी गुड। इज इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक? अब देखो, वायर में अगर हीट जनरेट हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसमें इतना हीट जनरेट हो जाए कि वायर मेल्ट ही कर जाए? Come on, think. Is it possible that if heat is being generated in a wire in which current is flowing, that so much heat gets generated that it breaks? Is it possible? Think, come on. हो सकता है? अगर हो सकता है तो एग्जाम्पल दे दो जरा फटाफट। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? Come on, think, think, think. Yes. देखो एक चीज है, सुनो अभी जरा, लिसन टू मी एवरीवन केयरफुली। इस चीज पे आई विल ब्रिंग यू अ वेरी वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट, ये मेरा प्रॉमिस है, बिकॉज द टीम इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन समथिंग, है ना। टीम क्या है, एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा है, और ये बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेके आऊंगा इस पर्टिकुलर चीज के लिए। बहुत अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट है, और इसको, उस एक्सपेरिमेंट को देख के ना ये चीज ऐसे फील हो जाएगी ना, सर आहा मजा आ गया। तो ये तो मेरा प्रॉमिस है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लाइक अगर किसी ने नहीं किया है प्लीज लाइक तो कर दो, क्योंकि यार टीम क्या है ना, द पीपल इन द टीम दे वर्क अ लॉट हार्ड आई वुड से टू मेक श्योर दैट यू गेट द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू मोटिवेट अदर्स, पीपल हु आर वर्किंग टायरलेसली फॉर यू, मेक श्योर यू मोटिवेट अदर्स बाय प्रेसिंग द लाइक बटन। सब्सक्राइब इफ समवन इज न्यू, प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब, है ना, बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बहुत जरूरी, बिकॉज यू नो व्हाट, वी टेंड टू मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम लोग बहुत चीजें मिस कर जाते हैं हम अगर सब्सक्राइबर नहीं होते हैं। सर ये सेशन होना था, निकल गया, हमको पता ही नहीं चला, क्यों? क्योंकि आप सब्सक्राइबर नहीं थे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, और शेयर करना जरूरी है भाई। 6, 7, 8 वालों, तुमको पता है हमारा अगला टारगेट क्या है, राइट? टारगेट इज फॉर 100,000, हमको भी चाहिए सिल्वर प्ले बटन, राइट? कम ऑन, जल्दी से करेंगे। अब सुनो, ये एक्सपेरिमेंट आई प्रॉमिस्ड यू आई विल ब्रिंग इट टू यू, लेकिन यू ऑल नो हमारे घर में ना एक डिवाइस लगी होती है जो कहीं ना कहीं इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। तुम लोगों में से कुछ तो आंसर दे रहे होंगे सही, मेरे को लग रहा है, यार तुम तेज तो हो, मुझे पता है, ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट। सो यस, देखो, अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, किसकी बात हो रही है? ये हिंट है, दिस इज नॉट द आंसर, ये हिंट है तुम्हारे लिए। मेरे को बताओ व्हाट इज द डिवाइस नेम, क्या बोलते हैं उसको? फ्यूज। यस, इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या है इलेक्ट्रिक फ्यूज? सर ये सेफ्टी डिवाइस है। क्या होता है इसके अंदर? सर एक वायर होता है जो ज्यादा करंट फ्लो करने पे ब्रेक हो जाता है ना, फ्यूज वायर बोलते हैं उसको। फ्यूज वायर पता है किसका बना होता है? इट्स एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। सर क्यों? बिकॉज व्हाट डू यू वांट, ये बताओ क्या चाहिए तुमको? सर आई वांट दैट व्हेन करंट क्रॉसेस सम पर्टिकुलर लिमिट, भाई अगर एक लिमिट से ऊपर करंट फ्लो करे तो ये जो वायर है ना, ये मेल्ट होके ब्रेक कर जाए। तो यानी कि इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। भाई किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तभी तो वो जल्दी मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा। अगर सोचो जो फिलामेंट है, फिलामेंट किसका बना होता है जल्दी बताओ? इन अ फिलामेंट बल्ब, दैट फिलामेंट इज मेड ऑफ व्हाट मटेरियल? हमको पता है ये बात, कम ऑन कम ऑन टेल मी। इट इज टंगस्टन, है ना भाई? फिलामेंट बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। इसका पता है कितना होता है? 3300 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होता है। दैट इज वाई दिस फिलामेंट बल्ब डजंट मेल्ट, मेल्ट नहीं होता वो। क्यों? क्योंकि तो इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो अगर हमने फ्यूज वायर बनाया टंगस्टन का, वो कभी मेल्ट ही नहीं होगा, कितना ही करंट फ्लो करा लो, है ना, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए हम बनाते हैं किसका? अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, सो दैट करंट जब फ्लो करे, हीट जनरेट हो, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर लो होगा तो जल्दी मेल्ट होके टूट जाएगा। यही तो हमको चाहिए, सेफ्टी किस बात की फिर, राइट? सो दैट्स वाई फ्यूज वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज वर्किंग ऑन, अब सुनो I'm telling you important points. Fuse wire is a safety device. It works on the principle of sir heating effect of electric current. Very good. Material क्या होता है? Material is alloy of tin and lead. I gave you just all the information, right? चलो, अब I'll tell you safety device है तो कैसे काम करता है? You might have seen एक तो होता है मेन फ्यूज, विच इज इफ एट योर होम देयर इज अ मेन स्विच बोर्ड, है ना, मेन सर्किट बोर्ड जहाँ पे होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मेन इलेक्ट्रिक फ्यूज. आजकल तो ऐसे नहीं है, देयर इज डिफरेंट थिंग वी आर यूजिंग, आई टेल यू अबाउट दैट. एक टाइम हुआ करता था जहाँ पर मेन स्विच बोर्ड में एक फ्यूज चीज हुआ करती थी. कैसे? यू हैव ऑल द अप्लायंसेज. अच्छा, घर में एक बात बताओ, इन द होम व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन इज देयर, सीरीज और पैरेलल? यू नो, इतना तो आइडिया है, एग्जैक्टली ना पता हो लेकिन ये पता है घर में पैरेलल कनेक्शन होता है ना. सो पैरेलल कनेक्शन होता है. अब आप क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंस यू कीप ऑन टर्निंग ऑन, अप्लायंस ऑन होते जा रहे हैं, मेन स्विच और मेन सर्किट से हम ज्यादा ज्यादा करंट लेते जा रहे हैं, राइट? वी स्टार्ट ड्रॉइंग मोर एंड मोर करंट. अब क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है, लेट्स से कोई अप्लायंस शॉर्ट हो गया, खराब हो गया, शॉर्ट हो गया, मतलब सुनो, मान लो कि ये जो वॉशिंग मशीन है ना, मान लो ये वॉशिंग मशीन शॉर्ट हो गई, है ना, कुछ खराब हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया. इसका मतलब ये वॉशिंग मशीन को भूल जाओ, ये डायरेक्ट ऐसे है. सोचो, पहले क्या था, करंट फ्लो कर रहा था लेकिन मशीन के अंदर यूज हो रहा था. अभी क्या है कि एक डायरेक्ट वायर है बस. अगर हम लाइव और न्यूट्रल में वायर घुसा दें, पता है बहुत डेंजरस होता है ये, लॉट ऑफ करंट फ्लो, सडनली सब मेल्ट हो जाता है, इट्स वेरी डेंजरस. इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से खेलना नहीं चाहिए, है ना, नेवर पुट योर फिंगर्स इन दोज होल्स, ऐसा कुछ नहीं करना, बहुत डेंजरस है, राइट? सो दैट्स व्हाई इस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि लॉट ऑफ करंट फ्लोज, बहुत सारा करंट फ्लो करता है, ये फ्यूज वायर वहां पर एज अ सेफ्टी डिवाइस काम करता है, दैट व्हेन सो मच करंट फ्लोज ये हीट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो ही नहीं करता है. दैट्स हाउ यू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, सो गॉट इट, वेरी गुड, है ना. सो देखो, दैट्स इंपॉर्टेंट. ओवरलोडिंग होने में और शॉर्ट सर्किट होने में देयर आर टू कंडीशंस इन विच अ ह्यूज करंट फ्लोज इन द सर्किट. पहली कंडीशन है, उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग मतलब अब ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज ओवरलोडिंग. उसके अलावा शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट तो मैंने बोला, लाइव और न्यूट्रल अगर मिक्स हो गए, टच कर गए, शॉर्ट सर्किट, एकदम बूम आवाज होती है धमाके की कई बार, पता है, अगर सेफ्टी प्रॉपर ना हो. दैट्स व्हाई खेलना नहीं है बिजली के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यस. अब इलेक्ट्रिक फ्यूज है, यू ऑल नो इट्स वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेरी गुड. ये द इंटैक्ट फ्यूज वायर, ये ब्रोकन फ्यूज वायर. लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे को बात बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई गेस कर सकता है व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द फ्यूज वायर? क्या लगता है, कोई प्रॉब्लम है फ्यूज वायर में? ये सब बढ़िया है सर, क्या दिक्कत है? आजकल यूज करते हो घर में, एक बार पूछना, जस्ट आस्क योर पेरेंट्स एक बार, है ना, एक बार पूछना, हमारे घर में फ्यूज वायर है? 70% चांस, लगभग 50-60-70% चांस ही होगा योर पेरेंट्स विल से, नहीं बच्चे हमारे घर में फ्यूज वायर नहीं है लेकिन कुछ और है, उसका रिप्लेसमेंट. क्यों हम रिप्लेसमेंट की तरफ गए? मैं बोलता जा रहा हूं बट आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर. जल्दी बताओ, एक दूसरे को तो बताओ कम से कम क्या आंसर है, थिंक जल्दी. यस, देखो एक प्रॉब्लम पता है क्या है, अब ये फ्यूज वायर टूट गया, बहुत बढ़िया, हमने घर को सेफ्टी, सॉरी हमने सेफ्टी प्रोवाइड करी, हमने कोई भी एक्सीडेंट होने से बचा लिया, बिकॉज ज्यादा करंट फ्लो करता है, एक्सीडेंट होता है, तो भाई फ्यूज वायर मेल्ट हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, करंट रुक गया, बहुत अच्छे. अब क्या है कि मेरे को जब दोबारा जो प्रॉब्लम हुई थी, लेट्स से वॉट एवर द थिंग वॉज फॉल्टी, आई करेक्टेड दैट थिंग एंड नाउ आई वॉन्ट टू ब्रिंग द करंट बैक. करंट वापस लाने के लिए ये तार वापस जोड़ना पड़ेगा, है ना भाई, फ्यूज वायर दोबारा तो लगाना पड़ेगा. सो यू हैव टू रिप्लेस द फ्यूज वायर, है ना, आप फ्यूज वायर रिप्लेस करते चले जाओगे, यानी कि हर बार जब भी ओवरलोडिंग होगा, जब भी शॉर्ट सर्किटिंग होगा, आपका फ्यूज वायर मेल्ट करेगा एंड यू हैव टू रिप्लेस द फ्यूज वायर. इसके अलावा कोई तरीका नहीं है यार, बार बार फ्यूज वायर रिप्लेस करना चक्कर है ना, इट्स अ प्रॉब्लम भाई, इतना कौन टेंशन ले. देन केम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. इफ आई टॉक टू यू कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सिंपल वर्ड्स में वी कॉल इट MCB. वी ऑल रिमेंबर MCB, है ना, घर में पूछना, योर पेरेंट्स विल टेल यू बच्चे हमारे MCB लगा हुआ है, बढ़िया, दैट्स ट्रू, है ना. सो MCB इट्स कॉल्ड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. और ये जो छोटा वाला है ना, पता है ये क्या है, अप्लायंस फ्यूज. आपके यहाँ जो भी अप्लायंसेज हैं, लेट्स से आपके यहाँ पे कोई ये होगा, एक्सटेंशन बोर्ड होगा, कुछ भी होगा, उसमें ना छोटा सा फ्यूज होता है, ये देखा होगा ऐसे, इसके अंदर पतला सा वायर जाता है, तो ये होते हैं इंडिविजुअल अप्लायंसेस के लिए. तो हाँ देखो, सेफ्टी के नाम पे हमने काफ़ी कुछ किया हुआ है. इंडिविजुअल अप्लायंसेस हैव सम फ्यूज, मेन्स लाइन हैज़ अ फ्यूज और अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, राइट? सो दैट्स व्हाई ऑल दीज आर एक्चुअली सेफ्टी नॉर्म्स, वी टेक इट फॉर सेफ्टी, है ना. ठीक है, बहुत अच्छे. चलो अब हीट जनरेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, दैट इज वन क्वेश्चन वी कैन आस्क। भाई हम लोग इतना बात कर लिए, वी हैव टॉक्ड सो मच अबाउट हीट जनरेटेड, लेट्स थिंक ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। आई विल टेल यू। पहला है मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल की कितना कंडक्टिविटी है, कितना बढ़िया कंडक्टर है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, सेकेंड लेंथ ऑफ वायर, ऑल राइट, इट डिपेंड्स ऑन वायर कितना लंबा है कितना छोटा है, राइट अगर वायर लंबा होगा तो उसमें ज्यादा हीट जनरेट होगी, राइट थिकनेस ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर मतलब एरिया। अब सुनो जरा, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसीलिए दिस इज फॉर एवरीवन। लेंथ ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर, मैं तुम्हें सही बताऊं, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट जनरेटेड, व्हेन यू ग्रो अप यू विल रियलाइज दैट देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड एज H=I²RT। इसको बोलते हैं जूस लॉ ऑफ हीटिंग। I मतलब करंट पे डिपेंड करता है, R मतलब रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और T मतलब टाइम पे डिपेंड करता है कि आपने कितना देर कोई अप्लायंस को ऑन किया, राइट हाउ मच टाइम यू टर्न द अप्लायंस ऑन। इट डिपेंड्स ऑन दीज थ्री थिंग्स एंड दैट्स व्हाई वी सेड मटेरियल ऑफ द वायर। मटेरियल क्यों बोला पता है? मटेरियल, लेंथ और थिकनेस, ये तीन चीज एक्चुअली पता है किसकी बात कर रही है? रेजिस्टेंस की। क्योंकि फ्यूचर में यू विल ऑल्सो रियलाइज कि सर R=ρL/A। ये जो रो है ना, ये रो कहीं ना कहीं मटेरियल की बात होती है। L मतलब होता है लेंथ, A मतलब होता है एरिया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा, राइट काइंड ऑफ यू कैन से दैट। भाई H जो है द हीटिंग, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ठीक है, इसलिए आप बोल सकते हो, ये आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हो कि भाई हीट जनरेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं। पता है क्या क्या फैक्टर होंगे? आई विल टेल यू, बहुत फैक्टर हैं, केवल ये तीन नहीं है। मटेरियल पे डिपेंड करता है सर, लेंथ पे करता है, एरिया पे करता है ना, और इन तीनों की जगह आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस पे करता है। आप बोलो ये डिपेंड करता है किस पे? करंट पे, रेजिस्टेंस पे, कितना देर और हाउ मच टाइम द अप्लायंस वाज वर्किंग, ठीक है। दिस इज समथिंग यू कैन डू वेरी इजीली। बढ़िया, चलो भाई एक्सपेरिमेंट टाइम, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड एक्सपेरिमेंट क्या है? देखो सेल है यहाँ पे, और लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन। Here there is a cell, this is a bulb, and this is what? It's a plastic spoon. देखो यहां पर क्या प्लास्टिक स्पून है, लेकिन वॉच के अंदर ध्यान दे, what is this? ये क्या चीज है, कोई बताएगा? Anybody? Do you know what is the name of this small device? वॉचेस में आजकल आ रहे हैं, है ना, इसमें नहीं है। क्या बोलते हैं इसको? कंपस। भाई कंपस है ना, ये मैग्नेटिक कंपस, राइट। सो हमने जब प्लास्टिक स्पून कनेक्ट करी यहां पे, ये कंपस है। पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, दिस इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो, प्लास्टिक स्पून लगी है, करंट फ्लो करेगा? जल्दी बताओ, करंट फ्लो करेगा? थिंक कम ऑन जल्दी। नहीं भाई, क्यों फ्लो करेगा? इवन इफ यू डोंट नो द टेक्निकलिटी ऑफ इट, यू हैव योर एक्सपीरियंशियल नॉलेज, है ना। भाई टेस्टर है, लेट्स से जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, कभी नोटिस किया है उनके ऊपर कवरिंग होती है ना। कवरिंग इज मोस्टली व्हाट? प्लास्टिक होता है, रबर होता है ना, पीवीसी वगैरह होते हैं। सो प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है। प्लास्टिक से करंट फ्लो नहीं करता, तो यानी कि प्लास्टिक स्पून इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है सर? इंसुलेटर वो मटेरियल है जिससे कि करंट फ्लो नहीं करता है, कंडक्टर वो मटेरियल है जिससे करंट फ्लो करता है ना। सो इंसुलेटर है प्लास्टिक, प्लास्टिक का स्पून लगा रखा है बीच में, करंट फ्लो नहीं करेगा, इजी, ओके। और कंपास, सर कंपास तो फिर नॉर्मल दिखाएगा। अगर सोचो हमारे पास कोई मैग्नेटिक कंपास होगा, क्या दिखाएगा वो? उसका नॉर्थ पोल है ना, उसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा ऑलमोस्ट, है ना, करेगा ना। सो वही दिखा रहा है भाई, रेड वाली लाइन नॉर्थ पोल पे दिखा रही है, बहुत अच्छे, सही है ये तो, ठीक है। अब सोचो मैं अगर ये स्पून हटा के नेल लगा दूं, इफ आई रिमूव दिस प्लास्टिक स्पून एंड पुट एन आयरन नेल, व्हाट विल हैपन? करंट विल फ्लो। पहली चीज तो है करंट फ्लो करेगा। अब देखो करंट फ्लो करेगा, लेकिन एक चीज हमने और नोटिस करी, वी नोटिस समथिंग एल्स, दैट इज फाइन। भाई आयरन इज अ कंडक्टर, करंट विल फ्लो, वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो किया, उसके बगल में रखी थी वॉच जिसमें था मैग्नेटिक कंपास, उसकी नीडल डिफ्लेक्ट कर गई, है ना, उसकी नीडल डिफ्लेक्ट कर गई। इससे हमने क्या सीखा? बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे डिड्यूस करते हैं चीजें, यू नो व्हाट, हाउ साइंस डेवलप्स थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। ये एक्सपेरिमेंट किसी ने किया एंड दे रियलाइज्ड कि यार करंट जब तक नहीं था उस वायर में, ये कंपास नॉर्मल दिखा रहा था अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ, लेकिन जैसे ही उस वायर में करंट फ्लो किया ये कंपास कुछ और दिखा रहा है। मतलब उस करंट का और इस कंपास के हिलने का कुछ तो रिलेशन है, राइट? और है, यू आर राइट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस, अ फ्लोइंग करंट गिव्स यू सम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑल्सो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात अगर हम करें, When electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, राइट? और बहुत कुछ चीजें काम करती हैं इन पे। देखो, करंट ऑफ है, कंपास नॉर्मल दिखा रहा है, नॉर्थ और साउथ, बहुत बढ़िया। When this switch is turned on, or I would say technically switch is closed, current will flow in the circuit. There will be some magnetic effect because of this flowing current, and a compass kept nearby will show deflection. कौन किया? जिस तरह हमने एक्सपेरिमेंट अभी किया ना, एग्जैक्ट सेम तरीके से हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड, दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज अर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट, उन्होंने भी यही किया था। ग्रेट साइंटिस्ट, उनको अचानक से पता चला, अरे यार फ्लोइंग करंट का और मैग्नेटिक कंपास नीडल के डिफ्लेक्ट होने का अच्छा रिलेशन है। इसका मतलब देन ही गेव दिस थ्योरी कि भाई करंट जब फ्लो करता है ना, उसके कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होते हैं, इसीलिए ये नीडल हिला। भाई ये नीडल कब हिलेगा? जब कोई मैग्नेट आसपास कुछ कर रहा होगा, है ना, तभी तो हिलेगा। कैसे आई मैग्नेट? हमको दिखी नहीं, करंट फ्लो कर रहा था बस, यानी कि करंट फ्लो करने की वजह से देयर वाज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, राइट? यस, वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द अर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। हमने क्या क्या सीखा इस एक्सपेरिमेंट से? सर, नॉर्मली अ कंपास नीडल विल पॉइंट टुवर्ड्स अर्थ नॉर्थ पोल, है ना भाई? मैग्नेट कंपास का नीडल का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, लेकिन बगल में इफ देयर इज अ करंट फ्लोइंग, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज फ्लोइंग करंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। किसने ढूंढा इसको? हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड ने। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। चलो भाई, और इसी पे आती है कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड अगर सोचो ना, इफ यू थिंक अबाउट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो और मैग्नेट। सोचो, इलेक्ट्रो सर मतलब समथिंग विद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट सर समथिंग विद मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओह, अ मैग्नेट विच इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली और मैग्नेट एक साथ, समझ रहे हो? यस, ओके, ये डिडक्शन गलत नहीं है, एक्सपेरिमेंट है एक छोटा सा। और इफ यू हैव सीन, देयर इज एन एक्सपेरिमेंट शॉट ऑन दिस, है ना? इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट शॉट है। एक आयरन नेल लो, है ना, उसके ऊपर आप इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे 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 वुंड कर दो, उसको बैटरी से कनेक्ट करो। ये नेल पता है क्या होगा? ये नेल एक मैग्नेट बन चुका होगा। कब तक रहेगा मैग्नेट? जब तक कि इसमें करंट फ्लो करेगा, इस वायर में जब तक करंट फ्लो करेगा ये नेल मैग्नेट बना रहेगा, राइट? सो कॉयल, आयरन पिंस और ये बैटरी। तो यानी कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दिस कॉपर वायर विच इज टर्न्ड अराउंड दिस आयरन नेल, तब तक ये आयरन नेल एक मैग्नेट बना रहेगा। अगर इसको मैग्नेट नहीं बनाना है तो क्या करेंगे हम? करंट ऑफ कर देंगे बस। इफ यू टर्न द करंट ऑफ, इट विल नॉट बी अ मैग्नेट, सिंपल, है ना? बस, तो ये है सिंपल सा फंडा इसका। देखो, हमने स्विच ऑन किया, नेल्स चिपक गए, ये वाला देखो, ये वाला, है ना? हमने इसको ऑफ किया, नेल छूट गए, बस ऐसे है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं कई बार, सर इसका मतलब करंट तो इस नेल में भी आ रहा होगा। मेरे को एक बार बताओ, मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से जल्दी, आई एम आस्किंग दिस टू यू बिकॉज यू गेट कन्फ्यूज। देखो, एक्सपीरियंस भी एक चीज़ होती है ना, वी नो समटाइम्स कि बच्चे कहाँ कहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से, टेल मी द ट्रूथ, इस नेल के अंदर करंट है क्या? इस नेल में भी करंट जा रहा था? सर आपने बोला कि इस नेल के ऊपर वायर ऐसे 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 है, इसका मतलब तो नेल से वायर टच कर रहा है, मतलब नेल के अंदर भी करंट है। इज इट? यस और नो, जल्दी बताओ, नेल के अंदर भी करंट है क्या? मैंने क्या बोला? आई टोल्ड यू कि आपने एक नेल लिया और एक इंसुलेटेड कॉपर वायर, मतलब उस कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन है, तो मैंने क्या किया? उस वायर को नेल के ऊपर ऐसे ऐसे लपेट दिया। वायर के ऊपर इंसुलेशन है, मतलब वायर ऐसा थोड़ी है कि मेटल मेटल को टच कर रहा है, नहीं, इंसुलेशन है बीच में। तो नेल में करंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैग्नेट है, ये एक अच्छी चीज़ है। अब देखो, इस पे हम और बात करेंगे, क्लास 10th में आ जाओ जरा। लेकिन हाँ, ये कंफ्यूज नहीं हो ना कि करंट जो है नेल के अंदर फ्लो कर रहा था ऐसे, वायर नील को टच ही नहीं कर रहा था, वायर तो इंसुलेटेड था बस, लेकिन ये काम करता है। और इसका प्रूफ चाहिए, एक्सपेरिमेंट शॉट देखो यार प्लीज, एक्सपेरिमेंट शॉट वी हैव डन मेकिंग योर ओन इलेक्ट्रोमैग्नेट, बायजूस पे है, प्लीज देखना उसका, ठीक है। चलो अगला एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल वही टिडिंग, या तो टिडिंग होता है और नहीं तो भाई कई बार वो भी होते हैं घरों में ना, ऐसे खतरनाक इलेक्ट्रिक बेल होते हैं, उसमें ऐसे द मोमेंट यू प्रेस गो लाइक, पता नहीं कितने लोग यहाँ हैं, राइट यस। अरे वो चिड़िया की आवाज, आई डिडंट गेट इट वेरी राइट, आई नो, है ना, लेकिन वही वाली तुमको पता है ना, यस। देखो इलेक्ट्रिक बेल, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बेल उसकी टिडिंग, या तो इस वाली की या फिर वो ट्र, ठीक है, इसकी बात भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम सिंपल बात करेंगे टिडिंग इसकी। देखो क्या होता है, क्या होता है, सुनो जरा ध्यान से। इलेक्ट्रिक बेल का कंस्ट्रक्शन पहले समझते हैं। इलेक्ट्रिक बेल में क्या है कि जो आवाज करता है ना, गोंग, दैट इज कॉल्ड एज गोंग। भाई इसको याद करने का तरीका इजी है, सर गोंग कौन याद करेगा इसका नाम, ये तो अजीब सा नाम है। नहीं अजीब सा नाम थोड़ी है, देखो सुनो, जब हम डंग करते हैं ना, इसको बस ऐसे याद करो, डंग नहीं है वो है गोंग, बस वो गोंग है, राइट, दैट इज योर गोंग। हैमर, कौन मारा गोंग को, हैमर मारा, राइट, दैट इज हैमर। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट स्क्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सेल एंड स्विच, तो ठीक है, राइट। अब सुनो ध्यान से सुनो, देखो क्या होता है, यहां से करंट फ्लो करता है ना, करंट फ्लोज फ्रॉम हियर, ऐसे करंट फ्लो करेगा, ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना, ठीक है। जब तक करंट फ्लो करेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट बना रहेगा, ओके। जब ये मैग्नेट बन जाएगा, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा ऐसे। भाई सामने है मेरे मेटल पीस, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसने इसको खींचा, ठीक है, इसने इसको खींचा, और जब इसने इसको खींचा इस पर लगा था हैमर, और यहां था गोंग, हैमर ने गोंग को मारा, टंग, बस, दैट्स हाउ यू गॉट द फर्स्ट टिडिंग, ओके, ठीक है। बस ये हुआ आधा वर्किंग, सुनो ये आधा वर्किंग है, दिस इज हाफ वर्किंग, ओके। नाउ लिसन टू मी, व्हेन द स्विच इज ऑन, व्हेन द स्विच इज ऑन मीन्स this white line shows you that current is flowing. If current is flowing, this electromagnet is a magnet, okay, it is attracting this hammer, it is attracting this hammer, बहुत बढ़िया है ना। लेकिन अब ध्यान से देखो, जब इसने हैमर को अट्रैक्ट किया, हैमर ने जैसे ही इसको मारा गोंग, क्या हुआ, अब ध्यान से देखना जरा, ये जो है इस स्क्रू और इसके बीच में, स्क्रू और इस स्ट्रिप के बीच में देखो गैप आ गया। पहले नोटिस करो यहां पे गैप नहीं था, यानी कि ये क्लोज सर्किट था, मैं जैसे ही स्विच ऑन करता करंट फ्लो करता, लेकिन अभी क्या है ना, मैं स्विच ऑन भी करके रखूंगा तभी भी सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि हैमर ने तो गोंग को मार दिया, जैसे ही वो गोंग को मारने गया, ऐसे सोचो, कैसे सोचोगे, हाँ ऐसे सोचो, देखो जैसे ही हैमर मान लो गोंग को मारने गया, यहाँ देखो ध्यान से दिख रहा है, मान लो ये ऐसे कॉन्टेक्ट था, ठीक, हैमर क्या है गोंग को मारने गया, गैप आ गया बीच में, देयर इज अ गैप नाउ, सर्किट इज ओपन, आपने स्विच ऑन कर रखा है, वो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपका तो यहां पर तो गैप आ गया ना भाई, सो देयर इज अ गैप नाउ, सर्किट इज ओपन। इफ सर्किट इज ओपन सर मतलब करंट इज नॉट फ्लोइंग, इफ करंट इज नॉट फ्लोइंग मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट विल नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेट एनी मोर, इलेक्ट्रोमैग्नेट अब इलेक्ट्रोमैग्नेट थोड़ी रह जाएगा, वो तो क्या है सिंपल आयरन का पीस है बस, और क्या। अब जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है तो क्या वो अट्रैक्ट करेगा इसको, विल इट अट्रैक्ट दिस हैमर, नहीं, इट विल नॉट अट्रैक्ट, राइट, है ना, करेक्ट। भाई अब अट्रैक्ट क्यों करेगा, जब वो मैग्नेट नहीं है तो कहाँ अट्रैक्ट करेगा, सो इट विल नॉट अट्रैक्ट, बहुत अच्छे, अट्रैक्ट नहीं करेगा तो ये वापस आ जाएगा, ये वापस आ गया, सर्किट क्लोज हो गया, करंट फ्लो कर गया, फिर अट्रैक्ट हो गया, टंग, फिर कॉन्टैक्ट टूट गया, फिर वापस आ गया, दैट्स हाउ इट गोज लाइक दिस, ट्र, अब समझे, गेटिंग इट, सो दैट्स हाउ इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स। स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकम्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना, इट बिकम्स मैग्नेटाइज्ड, इसको ऐसे बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, जैसे ही मैग्नेटाइज हुआ उसने पुल किया इसको, हैमर ने गोंग को मारा, लेकिन जैसे ही हैमर ने गोंग को मारा कॉन्टैक्ट लूज हो गया उसका, है ना, उसका स्क्रू से कॉन्टैक्ट लूज हो गया, कॉन्टैक्ट लूज हो गया, सर्किट ओपन हो गया, मतलब करंट रुक गया, करंट रुक गया मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो गया, यानी कि अब वो इसको खींचना बंद कर देगा, वो छोड़ देगा इसको, वो छोड़ेगा, ये वापस आएगा, फिर से करंट फ्लो करेगा, फिर से टंग, फिर छूट गया, फिर वापस आ गया, बस इट कीप्स ऑन डूइंग लाइक दिस, समझे, विजुअलाइज हुआ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, यस। ये चीज है बस, कॉन्टैक्ट होना और कॉन्टैक्ट ब्रेक होना, यही होता है इसके अंदर। सो दैट द हैमर कीप्स ऑन स्ट्राइकिंग द गॉन्ग, से ट्र वाली आवाज आती है, ठीक है। यस, अब सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ना और भी बहुत सारा काम है। ये बच्चे लोग, हम लोग क्या करते थे कई बार, इस तरह के चैलेंज हम लोग आपस में करते थे छोटे थे। एक सैंड है, सैंड के अंदर आप क्या करो ना, छोटे छोटे नेल घुसा दो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, छोटे 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 छोटे, और उसको बोलो कि यार इसको सेपरेट कर। नॉर्मली आपको बहुत टाइम लग जाएगा, अदरवाइज व्हाट यू कैन प्ले स्मार्ट। आप क्या करो, छोटा सा मैग्नेट लो और सैंड के अंदर घुमा दो, उठाओगे तो सारा नेल चिपक के आ जाएगा। एंड यू माइट हैव सीन ये लेक्स पे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, कभी कभी गंगा किनारे लोग जो है क्या ना, ऐसे मैग्नेट लेके फेंकते हैं नीचे, रस्सी से बांध के नीचे डालते हैं और उनसे सिक्के उठाते हैं। देखा होगा, कभी कभी देखा होगा, बच्चे करते हैं कभी कभी, राइट। क्यों वो क्या कर रहे हैं, पानी में से मैग्नेटिक मटेरियल जो भी है उसको मैग्नेट से चिपका के ऊपर खींच रहे हैं। सो यस, सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम जंक, दिस इज ऑल्सो अनदर यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यू कैन सेपरेट आयरन, मैग्नेटिक मटीरियल्स आई वुड से, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मटीरियल्स। ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपको पिक करना है कि यार सारा मेटेलिक सामान जो कि आई वुड से क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक है, और या फिर ये बोलो कि मैग्नेटिक मटीरियल जो कि आयरन होता है ना। सो इसकी बात करेंगे, जो भी आयरन का सामान है उसको अगर मेरे को अलग करना है, मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके आऊँगा, सारा आयरन चिपक जाएगा, बाकी सब नीचे रह जाएगा, भाई उसको क्या मतलब, है ना। येस, दैट्स वाई सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम जंक। ऑल राइट पीपल, सो I would say let's summarize everything very quickly. Electric circuit क्या है? Electric circuit is it's a representation of all the electric components. बहुत बढ़िया. Current flows in electric circuit, बहुत अच्छे. Symbols of electric circuits we have learned. We have learned about heating effect of electric current. Very good, है ना? Material पर depend करता है. Nichrome, alloy of tin and lead किसका बना होता है? It is made up of alloy of tin and lead. Fuse wire होता है, बहुत अच्छे, right? और ये सारे applications हैं. उसके बाद आए हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, जहां हमने बात किया कि अ फ्लोइंग करंट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट आल्सो, अर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट याद है ना, हाँ बहुत अच्छे। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक बेल इसका एप्लीकेशन है, दोनों पे हमने पढ़ लिया है, हमने इलेक्ट्रिक बेल का कंस्ट्रक्शन देख लिया है, राइट। वी हैव आल्सो सीन कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, राइट। सो दिस इज ऑल वी हैव इन दिस चैप्टर। डोंट वरी, व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड यू इन दिस चैप्टर इज आई विल ब्रिंग यू 2 एक्सपेरिमेंट्स। एक तो मैं ला ही रहा हूँ बहुत जल्दी, that one experiment will be your heating effect electric current, will be awesome experiment, ठीक है, and more experiments on this, ठीक है। Don't worry about this. So people, I'll send you the notes of this particular session on Telegram. You just relax, है ना, make sure you got everything. अगर डाउट है तो एक दूसरे से क्लियर कर लो, है ना। टेलीग्राम के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस पर रजिस्टर कर लो, बहुत जरूरी है। और एक चीज सुनो, वी हैव गॉट यू कवर्ड। देखो भाई, हमको कुछ भी है, पर्सनल काम है, जो भी है, वी मेक श्योर दैट आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। सो अंडरस्टैंड दिस, वी हैव गॉट यू कवर्ड। अब इतना है तो एक रिक्वेस्ट, मेक श्योर एवरीबडी प्रेस द लाइक बटन, ठीक है। अगर लगता है कुछ फायदा हुआ, लाइक दबाओ, लगता है कुछ फायदा हुआ तो लाइक दबाना, राइट। प्लीज श्योर यू मेक श्योर यू प्रेस द लाइक बटन, राइट। एंड यू सब्सक्राइब इफ एनीबडी हियर इज न्यू, यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस चैनल, यू कैन आस्क अदर पीपल, बट इफ यू सब्सक्राइब you won't regret, right? Make sure you subscribe to the channel and share it with your friends. Yeah, थोड़ा 100 के पहुंचते हैं फटाफट, ठीक है। Share it with your friends and people. Take care, keep learning. We'll meet each other very soon. Bye bye.